हेलो एवरीवन, मैं परवीन। आज एक और हरियाणा जीके की वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की झीले यानी कि लेक्स ऑफ हरियाणा। तो ये जो टॉपिक है आपका झीलों वाला, इस टॉपिक से आपका जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है उसके आने के पूरे पूरे चांस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक से लेक्स ऑफ हरियाणा यानी कि हरियाणा के झीले और जो तालाब हैं उनसे बहुत बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसको जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है। ये जो टॉपिक है हम ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे, मतलब जिले लेकर चलेंगे। सबसे पहले जैसे हमने गुरुग्राम जिला लिया उसकी जिले पढ़ेंगे, देन इस प्रकार हम जिले वाइज जो है हम जिलों को कवर करेंगे जो भी जिले उस जिले के अंदर आती है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स गुरुग्राम जिले से, गुरुग्राम से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले के अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी जो झील है हरियाणा की वो है आपकी दमदमा झील, वो आपकी गुरुग्राम जिले के अंदर है। दमदमा झील, दमदमा झील, ये जो आपकी झील है ये आपकी किसके अंदर है? गुरुग्राम के अंदर है। और ये आपकी लगभग 3,000 एकड़ के अंदर आपकी फैली हुई है। 3,000 एकड़ एरिया के अंदर जो है आपकी दमदमा झील जो फैली हुई है हरियाणा की, प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ी झील है ये। प्राकृतिक रूप से अगर आपसे पूछे एग्जाम के अंदर कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो आपकी दमदमा झील है। और ये भी पूछा जा सकता है कि यह कहां पर स्थित है, तो ये आपके हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आपकी गुरुग्राम जिले के अंदर ही दूसरी झील आती है सुल्तानपुर झील। गुरुग्राम जिले के अंदर ही अगली झील है आपकी सुल्तानपुर झील। ये जो झील है आपकी सुल्तानपुर झील, इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहले तो वो, ये आपकी सुल्तानपुर झील है कहां पर? तो ये आपके एग्जैक्ट गुरुग्राम में नहीं है, ये आपकी फरुखनगर के अंदर है। गुरुग्राम के फरुखनगर के अंदर है। आपके एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर फरुखनगर भी मिल सकता है, और अगर एग्जामिनर आपसे जिला पूछना चाहता है तो आपसे आपको ऑप्शन में गुरुग्राम भी दे सकता है। तो अगर आपको फरुखनगर ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको गुरुग्राम मिलेगा, क्योंकि जिला ये आपका गुरुग्राम ही है, गुरुग्राम जिले के अंदर है लेकिन फरुखनगर के अंदर ही है। फरुखनगर आपका गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। तो सुल्तानपुर जिला आपके गुरुग्राम के फरुखनगर में स्थित है। और सुल्तानपुर में जो है बहुत सारे विदेशी यहाँ पर घूमने आते हैं, और इसकी जो विशेषता है यहाँ पर बहुत सारे जो पक्षी हैं वो माइग्रेट यहाँ पर आते हैं। माइग्रेट मतलब दूसरे देशों से जो पक्षी हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, विशेषकर जो इसकी जो खासियत है वो ये है कि सर्दियों में जो है साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं। साइबेरियन पक्षियों की जो प्रजाति है वो यहाँ पर आती है सर्दियों के अंदर सुल्तानपुर झील के अंदर, और वो अपनी ऊंची उड़ान के लिए फेमस है। साइबेरियन पक्षी जो वो यहाँ पर आते हैं सर्दियों में, और यहाँ पर बहुत सारे विदेशी घूमने आते हैं। एक बहुत ही जो है बड़ा पर्यटक स्थल है हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर झील, फरुखनगर के अंदर ये स्थित है। उसके बाद आपके पास आता है खलीलपुर झील। खलीलपुर झील ये भी आपकी गुरुग्राम के अंदर रहेगी। गुरुग्राम जिले के अंदर कौन सी झील रहेगी? खलीलपुर झील रहेगी। ये भी आपकी गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम के अंदर अगली झील है आपकी बसई झील। बसई झील ये भी आपकी किसके अंदर रहेगी? ये भी आपकी गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, बसई झील। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है यहां से सोहना झील, या सोहना तालाब भी बोल देते हैं। सोहना झील, सोहना झील जो है ये आपकी गर्म पानी की झील है। सोहना झील हरियाणा की कौन सी झील है गर्म पानी की झील, अगर आपसे पूछा जाए तो सोहना झील है। ये आपके गुरुग्राम के अंदर है, और ऐसा माना जाता है, ये मान्यता है कि सोहना झील के जो गर्म पानी है उसमें स्नान करने से ये आपके सभी चर्म रोग हैं वो दूर हो जाएंगे, यानी आपको चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाएगी अगर आपने सोहना झील में के गर्म पानी से स्नान कर लिया तो, यानी ये आपकी मान्यता है। और एक बार ये भी पूछा गया था, ये टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, साइंस का बनता है यहाँ पर, कि जो सोहना झील का जो पानी है वो गर्म क्यों रहता है? क्योंकि ये जो सोहना झील का जो पानी है इसके अंदर आपकी सल्फर की अमाउंट ज्यादा है, यानी इसके अंदर सल्फर अधिक मात्रा में जो है वो मिलता है। तो सल्फर की अधिकता के कारण जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इसलिए इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसके पानी का, इसलिए इसका जो पानी है वो गर्म रहता है। इसे गर्म पानी का चश्मा भी बोला जाता है। यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा है जिसमें नहाने से क्या हो जाते हैं, सभी चरम रोग दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सोहना झील से, गर्म पानी वाली झील ये आपके गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद गुरुग्राम के अंदर एक दो झील और है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। एक आपकी भीमकुंड झील है। भीमकुंड झील ये भी आपकी किसके अंदर है? गुरुग्राम के अंदर है। और एक आपकी घाटा झील ये भी आपकी किसके अंदर है? गुरुग्राम के अंदर। तो गुरुग्राम जिले के अंदर हमने जो झील पढ़ी है इनसे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले सबसे बड़ी झील हरियाणा की दमदमा झील जो कि 3,000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। उसके बाद सुल्तानपुर जहां पर माइग्रेट होकर पक्षी बहुत सारे पक्षी माइग्रेट आते हैं, यहां पर फरुखनगर के अंदर ये स्थित है सुल्तानपुर झील। साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं सर्दियों के अंदर विशेषकर। ठीक है, और उसके बाद आपकी खलीलपुर झील है गुरुग्राम के अंदर, बसई झील है, सोहना झील है जहां पर गर्म पानी की झील है ये, भीमकुंड झील है, और फिर आपकी घाटा झील है। ये सभी आपके गुरुग्राम की झील है। तो इसके साथ हमने गुरुग्राम की झीलें पढ़ी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर भी बहुत सारी झीलें हैं जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हम झीलों को कंप्लीट इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आता आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपने बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ, आपने देखा भी होगा, बड़खल झील से। बड़खल झील जो है आपकी, ये आपकी
जो झील है ये फरीदाबाद के अंदर है। बड़खल झील कहां पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर। बहुत बार आया हुआ है और इसका जो निर्माण है वो सिंचाई के लिए करवाया गया था 1947 में। तो ये सन तो आपको इजीली याद हो जाएगा, हमारे भारतवर्ष के आजादी वाला सन है सन 1947। इसके अंदर हमारी बड़खल झील का जो है निर्माण करवाया गया था सिंचाई के लिए, ठीक है, और ये फरीदाबाद में स्थित है। उसके बाद फरीदाबाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरी झील है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इससे केवल अकेला यही क्वेश्चन नहीं बढ़ता है कहां पर स्थित है। ये है तो स्थित फरीदाबाद में, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके अलावा इसका निर्माण से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो निर्माण है वो यहाँ के जो तोमर वंश के राजा थे, ठीक है, अनंगपाल तोमर यानी या फिर सूरजमल, एक ही बात है, जो यहाँ के राजा थे सूरजमल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था, या फिर आपके ऑप्शन में अनंगपाल तोमर भी आ सकता है, वो तोमर वंश के राजा थे, आपको पता है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, सूरजकुंड झील का। तो सूरजकुंड झील आप की फरीदाबाद में आपको पता है यहाँ पर जो है इंटरनेशनल मेला भी लगता है, सूरजकुंड का मेला बहुत फेमस है हरियाणा के अंदर, इंटरनेशनल मेला है वो, तो वो भी यहाँ पर आपका फरीदाबाद के अंदर है, आपको याद रह जाएगा। सूरजकुंड झील कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर। राजा सूरजमल यानी अनंगपाल तोमर ने इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उसके बाद अगली जो झील है वो है इसकी निहारिका झील फरीदाबाद में। निहारिका झील अगर आपसे पूछे तो वह भी आपकी कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है। और एक आपकी मयूर झील है वो भी आपकी किसके अंदर है? फरीदाबाद के अंदर है। तो ये आपकी फरीदाबाद की झील है, इंपोर्टेंट झील जो आपके एग्जाम में आ सकती है। सबसे पहले है बड़खल झील, फरीदाबाद में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपकी सूरजकुंड झील, राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। फिर आपका निहारिका झील और फिर आपका मयूर झील, ये आपकी फरीदाबाद जिले की झील है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नू यानी कि मेवात। मेवात में भी आपकी बहुत सारी झीलें हैं नू। तो सबसे पहले इसकी जो इंपोर्टेंट झील है वो है कोटला झील। इसे जो है मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है, मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको? कोटला झील को। तो ये मेवात की सबसे इंपोर्टेंट झील है कोटला झील। उसके बाद कुछ और झील भी है मेवात के अंदर, आपकी एक है चंदेली झील। चंदेली झील आपसे आपकी किसके अंदर है? इसके अंदर है मेवात के अंदर यानी कि नू के अंदर, हमने नू पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपकी है संगेली झील या संगेल झील भी बोल देते हैं या फिर संगेली झील भी बोला जाता है इसको, ये भी मेवात के अंदर है। और एक आपकी उजीणा झील। ये चारों झील आपसे अगर एग्जाम के अंदर पूछी जाएं तो आप बता सकते हैं किसके अंदर है? मेवात के अंदर। अगर ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर आए चंदेली झील कहां पर स्थित है तो आपकी नू के अंदर स्थित है। उजीणा झील कहां स्थित है? आपकी नू के अंदर स्थित है। कोटला झील, चंदेली झील, संगेली झील, सांगेली है ये, सांगेली भी बोल देते हैं कई बार इसको, और उजीणा झील, ठीक है, और कोटला झील को जो है मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये आपकी मेवात यानी कि नू की जो है झील है। कौन कौन सी हो गई आपकी? कोटला झील हो गई, फिर आपकी चंदेली, सांगेली और उजीणा झील। गुरुग्राम के अंदर कौन कौन सी थी? गुरुग्राम के अंदर थी दमदमा झील जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, प्राकृतिक रूप से 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है वो। उसके बाद हमने सुल्तानपुर झील पढ़ी, उसके बाद हमने बसई झील पढ़ी, सोना झील पढ़ी, और फिर हमने खलीलपुर झील पढ़ी, भीमकुंड झील पढ़ी और गाटा झील, ये सभी गुरुग्राम के अंदर है। फिर फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील बहुत इंपॉर्टेंट है और सूरजकुंड झील, दोनों इंपॉर्टेंट है, बड़खल झील और सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील के बाद हमने एक और पढ़ी निहारिका झील और मयूर झील, वो फरीदाबाद के अंदर थी। फिर हमने नू यानी मेवात की पढ़ी है, कोटला, चंदेली, सांगेली और उजीणा, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं कुरुक्षेत्र पर। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर आपके दो इंपॉर्टेंट सरोवर या झील हैं आपके जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, वो आपका सबसे पहले तो है ब्रह्म सरोवर, ठीक है। तो ब्रह्म सरोवर जो है, ये जो ब्रह्म सरोवर है ये हरियाणा का सबसे पुराना तालाब, सरोवर या झील आप कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा का सबसे प्राचीन सरोवर कौन सा है तो ब्रह्म सरोवर है। हरियाणा की सबसे प्राचीन झील तो आप बता सकते हैं ब्रह्म सरोवर, ये सबसे प्राचीन और एशिया की सबसे बड़ी पक्की ईंटों से बनी हुई झील या फिर तालाब आए तो यही है। एशिया की सबसे बड़ी पक्की ईंटों से बनी हुई झील कौन सी है? ब्रह्म सरोवर है। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना हुआ तालाब कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है। और हरियाणा का सबसे प्राचीन सरोवर है, हरियाणा का सबसे प्राचीन कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है। इससे जो है यह बनता है कि जो बर्मा जी थे उन्होंने इसी बर्मा सरोवर पर जो है पृथ्वी की कल्पना की थी। बर्मा जी ने बर्मा सरोवर पर ही किसी कल्पना की थी? पृथ्वी की कल्पना की थी। पृथ्वी की रचना की कल्पना बर्मा जी ने कहां पर की थी? ब्रह्म सरोवर पर की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बर्मा जी का यहाँ पर उल्लेख महाभारत और बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे जो है हरियाणा की सबसे प्राचीन झील माना गया है, सबसे प्राचीन सरोवर बर्मा सरोवर, ठीक है। बर्मा जी का संबंध कौन से सरोवर से हरियाणा में पूछा जाए तो बर्मा सरोवर, ठीक है। उसके बाद आपसे दूसरा इसके अंदर है सनहित झील। या सरोवर भी कह देते हैं, सनहित सरोवर, वैसे झील, सनहित झील आपसे पूछा जाए तो ये भी आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर है। सनहित झील भी आपकी किसके अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और सनहित झील से इंपॉर्टेंट बढ़ता है, इसे सात नदियों का संगम कहा जाता है। सनहित झील को क्या कहा जाता है? सात नदियों का संगम।
सनित झील को क्या कहा जाता है? सात नदियों का संगम कहा जाता है। सनित झील को क्या कहा जाता है? सात नदियों का संगम कहा जाता है। और एक इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बढ़ता है कि जो सनित झील है उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास सनित झील के अंदर माना गया है। हरियाणा के अंदर कहाँ माना जाता है? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थायी निवास माना जाता है सनित झील के अंदर, और इसे सात नदियों का संगम भी कहा जाता है। और ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्रह्म सरोवर और सनित झील दोनों इंपोर्टेंट है आपकी। ब्रह्म सरोवर सबसे प्राचीन आपका जो सरोवर है और सबसे बड़ा एशिया का पक्के ईंटों से बना हुआ सरोवर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्रह्मा जी ने यहीं पर जो है पृथ्वी की रचना की कल्पना की थी, और उसके बाद जो है सनित झील है सात नदियों का संगम, और वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास भी किसे माना गया है? सनित सरोवर को माना गया है, सनित झील को माना गया है। कुरुक्षेत्र के बाद आपके पास कैथल और करनाल है। कैथल के अंदर आपको एक याद करनी है, कैथल के अंदर है आपकी बिदक्यार झील, ठीक है? बिदक्यार झील ये आपसे पूछे तो ये कहां पर है, आपसे पूछा जा सकता है कि बिदक्यार झील हरियाणा में कहां पर स्थित है, तो बिदक्यार झील जो है वो आपकी कैथल के अंदर है। बिदक्यार झील आपकी कहां पर है? कैथल के अंदर। फिर उसके बाद आपसे करनाल से आ सकता है, करनाल से, करनाल में आपकी है करण झील। करण झील आपसे पूछे कि देखो कर्ण करनाल, ये तो इजीली याद रह जाएगा आपको। करण झील आपकी कहां पर है? करनाल के अंदर है। करण झील का ही दूसरा नाम है वो है चक्रवर्ती झील। करण झील का ही दूसरा नाम है चक्रवर्ती झील। तो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चक्रवर्ती झील कहां पर स्थित है, तो चक्रवर्ती झील ही करण झील है, तो वो भी कहां पर होगी? आपकी करनाल के अंदर। तो चक्रवर्ती झील पूछे या करण झील पूछे, आपकी करनाल के अंदर है। करण सरोवर पूछे वो भी आपकी करनाल के अंदर ही होगा। चाहे आपसे करण झील पूछे, चक्रवर्ती झील पूछे या करण सरोवर पूछे, या आपका कहां पर हो गया? करनाल हो गया। लेकिन यहां से एक अलग सा क्वेश्चन ये बनता है, अगर करण सरोवर पूछे ना तो आपका करनाल है, या करण तालाब पूछे, करण तालाब अगर आपसे पूछे कि करण तालाब कहां पर है, तो करण तालाब आपका करनाल के अंदर है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि गऊ करण तालाब कहां पर स्थित है, वो रोहतक के अंदर है। करण तालाब तो आपका किसके अंदर है? करनाल के अंदर है, लेकिन गऊ करण तालाब जो है वो आपका रोहतक के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? गऊ करण तालाब आपका किसके अंदर है? रोहतक के अंदर है, और आपका जो करण तालाब है वो करनाल के अंदर है, ठीक है? तो ये आपकी कैथल करनाल की हो गई, और कुरुक्षेत्र के अंदर हमने ब्रह्म सरोवर और सनित झील पढ़ा है। उसके बाद करनाल और कैथल हो गया, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे झज्जर। झज्जर के अंदर हरियाणा की सबसे सुंदर झील है, हरियाणा की सबसे ब्यूटीफुल अगर हम बात करें लेक, तो वो कौन सी है? भिंडावास झील। भिंडावास झील, भिंडावास झील ये आपकी झज्जर जिले के अंदर है। झज्जर के अंदर कहां पर है, कौन से जिले के अंदर है? भिंडावास झील झज्जर जिले के अंदर है, और ये हरियाणा की सबसे सुंदर झील है, इसलिए इसको सुंदर झील भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सुंदर झील कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर, क्योंकि भिंडावास झील सबसे सुंदर झील मानी गई है हरियाणा की, इसलिए इसका नाम क्या बताया गया है? सुंदर झील भी बताया गया है। हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है? भिंडावास झील है, ठीक है? और हरियाणा की सबसे आर्द्र भूमि भी, यानी नमी वाली भूमि भी भिंडावास झील की ही मानी गई है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा नमी किस भूमि की मानी गई है? जो भिंडावास झील की जो भूमि है, जो एरिया है, उसको सबसे ज्यादा नमी वाला माना गया है, और ये जो है हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। उसके बाद रोहतक वाली आती है तिलियार झील, ये आपने सुनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तिलियार झील। ये आपकी कहां पर है? रोहतक के अंदर, बहुत ही फेमस है ये तिलियार झील। ये आपकी कहां पर है? रोहतक जिले के अंदर है। तिलियार झील आपकी रोहतक के अंदर है, भिंडावास झील आपकी झज्जर के अंदर है। उसके बाद आपकी आती है टिक्करताल झील। टिक्करताल झील ये आपकी है पंचकुला के अंदर। ये आपकी किसके अंदर है? पंचकुला के अंदर है टिक्करताल झील। अगर आपसे पूछे तो आपकी कहां पर रहेगी? पंचकुला के अंदर रहेगी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, टिक्करताल झील होगी, तिलियार झील होगी और भिंडावास झील होगी, तो भिंडावास झील झज्जर में होगी, तिलियार झील होगी रोहतक के अंदर, टिक्करताल झील होगी आपकी पंचकुला के अंदर। उसके बाद आती है हमारे पास डाबर झील। डाबर झील, तो डाबर झील अगर आपसे पूछे तो ये आपकी किसके अंदर होगी? डाबर झील आपकी मुरथल के अंदर। मुरथल कहां पर है आपका? सोनीपत के अंदर है। डाबर झील जो है आपका मुरथल के अंदर है, और जो मुरथल है ये आपका किसके अंदर है? सोनीपत के अंदर है। तो डाबर झील आपकी है मुरथल के अंदर, मुरथल आपका पड़ता है सोनीपत के अंदर। तो आपको ऑप्शन में मुरथल भी मिल सकता है और आपको ऑप्शन में सोनीपत भी मिल सकता है, ठीक है? जो आपको मिले उसको टिक करना है। डाबर झील है आपकी मुरथल के अंदर, सोनीपत के अंदर। उसके बाद आपका आता है पलवल जिला। पलवल जिला के अंदर आपकी डबचिक झील। डबचिक झील अगर आपसे पूछे हरियाणा के अंदर कहां पर स्थित है, तो वो आपकी होडल, होडल पड़ता है पलवल के अंदर। तो होडल यानी पलवल जिले के अंदर आपकी है डबचिक झील। अगर एग्जैक्ट पूछे तो होडल, होडल आपका पलवल के अंदर पड़ता है, इसके अंदर आपकी डबचिक झील है। पलवल से एक आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है द्रौपदी घाट। द्रौपदी घाट अगर आपसे पूछे कि कहां पर स्थित है, तो वो भी आपका पलवल के अंदर है। द्रौपदी घाट भी किसके अंदर स्थित है? द्रौपदी घाट है वो पलवल में स्थित है, ठीक है? तो ये आपका पलवल था। उसके बाद आपका आता है हरियाणा का सबसे नवीनतम जिला, सबसे नया जिला आपको पता है कौन सा है? चरखी दादरी। उसके अंदर आता है आपका श्याम सरोवर।
अगर आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर श्याम सरोवर कहाँ स्थित है, तो वो आपका है चरखी दादरी के अंदर। चरखी दादरी के अंदर कौन सा है, पहले भिवानी के अंदर आता था लेकिन अब चरखी दादरी जिला बन गया, चरखी दादरी के अंदर पड़ता है। अब चरखी दादरी में कौन सा सरोवर है, श्याम सरोवर है, ठीक है। उसके बाद आता है हिसार जिला, हिसार के अंदर आपका है बर्ड, बर्ड है हिसार के अंदर, मतलब ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड आपके हिसार के अंदर है। ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड अगर आपसे पूछे कि ब्लू बर्ड झील है वो कहां पर है, तो वो है आपकी हिसार के अंदर। और अगर आपसे पूछे कि ब्लैक बर्ड कहां पर है, ब्लैक बर्ड झील आपसे पूछे कि वो कहां पर है, तो वो है आपकी हासी के अंदर। हासी में वैसे आपका हिसार के अंदर ही पड़ता है, ठीक है, हिसार जिले के अंदर ही है। तो ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड दोनों हिसार जिले के अंदर हैं, लेकिन ब्लैक बर्ड झील एग्जैक्ट की बात करें तो वो हासी के अंदर है, ठीक है। तो ब्लू बर्ड झील आपकी हिसार के अंदर, ब्लैक बर्ड हासी, ब्लू बर्ड हिसार, ब्लैक बर्ड हासी। हासी के अंदर एक और है आपकी अमती तालाब, अमती तालाब, अमती तालाब अगर आपसे पूछे ये कहां पर स्थित है, वो भी आपका हासी के अंदर है। तो हिसार जिले के हमने अंदर पड़ा है ब्लू बर्ड झील, हासी के अंदर हमने पड़ी है ब्लैक बर्ड झील, और हासी के अंदर एक है अमती तालाब, अमती तालाब, ब्लैक बर्ड, हासी और ब्लू बर्ड आपका हिसार के अंदर। हिसार के बाद हिसार के साथ लगता है आपका फतेहाबाद, हिसार के फतेहाबाद, फतेहाबाद की अगर हम बात करें तो फतेहाबाद जो है उसके अंदर आपकी है चिल्ली झील, चिल्ली झील, चिल्ली जिले आपके किसके अंदर है, फतेहाबाद के अंदर है। तो अगर हमने देखो क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले यहाँ पर हमने पढ़ा है श्याम सरोवर चरखी दादरी के अंदर है, फिर हिसार के अंदर है आपके ब्लू बर्ड, हासी के अंदर है ब्लैक बर्ड और अमती तालाब, और फतेहाबाद के अंदर है चिल्ली झील। तो इसी के साथ हमने जो है हरियाणा के सभी प्रमुख झीलों को और तालाबों को जो इस टॉपिक के अंदर कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने गुरुग्राम जिले के अंदर पढ़ी हरियाणा की सबसे बड़ी झील जो की है दमदमा झील, जो की 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। फिर गुरुग्राम के अंदर हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम गुरुग्राम फरीदाबाद, मेवातवाड़ी और कुरुक्षेत्रवाड़ी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम के अंदर आपकी दमदमा थी, फिर आपकी कौन सी थी, सुल्तानपुर थी, सुल्तानपुर के बाद खलीलपुर, बसई, सोना, भीमकुंड और आपकी गाटा झील, ये सभी किसके अंदर थी, आपके गुरुग्राम के अंदर थी। फिर फरीदाबाद के अंदर हमने पढ़ी निहारिका झील, बड़खल झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सूरजकुंड झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक मयूर झील भी थी फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन सा मेवात यानी कि नूह जिला, उसके अंदर थी हमारे पास 4 जिले, कोटला झील जिसको मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा भी बोला जाता है, कोटला झील, चंदेली, सांगेली और उजीणा झील। उसके बाद हमने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर और सनित झील को पढ़ा। उसके बाद हमने कैथड़ के अंदर बिदग्यार झील पड़ी, और करनाल के अंदर कर्ण तालाब और कर्ण झील पड़ी, ठीक है। और कर्ण झील का दूसरा नाम क्या है, आपका चक्रवर्ती झील है, और गौ कर्ण तालाब आपका मैंने बताया था रोहतक के अंदर है। उसके बाद हमने पढ़ी करनाल के अंदर कुरुक्षेत्र और कैथल हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा पंचकुला, झज्जर और रोहतक की, झज्जर के अंदर हमने पढ़ा भिंडावास झील, और भिंडावास झील हरियाणा की सबसे सुंदर झील है, इसलिए उसको सुंदर झील भी कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ी किसकी झील, रोहतक की झील, तो रोहतक की कौन सी थी, आपकी तिलियार झील थी, और एक रोहतक के अंदर गौकर्ण तालाब मैंने पहले ही बता दिया वो भी है, ठीक है, और तिलियार झील आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा पंचकुला के अंदर टिकरताल झील, पंचकुला के बाद हमने पढ़ा सोनीपत का कौन सा, मूर्थल के अंदर थी आपकी डाबर झील। उसके बाद हमने पलवल की पढ़ी कौन सी, डबचिक झील जो कि होटल के अंदर है, और पलवल के अंदर एक और चीज आप क्या, द्रौपदी घाट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, द्रौपदी घाट हरियाणा में कहां पर स्थित है, पलवल के अंदर स्थित है, पलवल जिले के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा चरखी दादरी के अंदर श्याम सरोवर, फिर हमने पढ़ा हिसार के अंदर ब्लू बर्ड झील, और रांची के अंदर ब्लैक बर्ड, और रांची के अंदर अमती तालाब भी है। उसके बाद फतेहाबाद के अंदर चिल्ली झील है, ठीक है। इतनी झीलें और तालाब हमने पढ़ लिए, लेकिन यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, HSSC का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बन के आया बनता है। एक एग्जाम में पहले है एक क्वेश्चन पूछा गया था HSSC के द्वारा कि हरियाणा में कुल कितनी जिले हैं। अगर आपसे एग्जाम में अभी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर प्रमुख जिले कितनी हैं, कुल कितनी प्रमुख जिले हैं, कुल कितनी प्रमुख जिले हैं, तो आप बताएंगे 5, केवल 5। हमने इतनी सारी जिले और तालाब पढ़ी है, लेकिन HSSC ने जो प्रमुख जिले हैं हरियाणा में वो कुल कितनी मानी है, 5। वो कौन सी है वो उन्होंने नहीं बताया कि कौन सी प्रमुख है, हमने पढ़ी सभी हैं। कौन सी जिले भी पूछा जा सकता है उसका, भाई कहां पर स्थित है या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो मैंने बता दिए वीडियो के अंदर वो भी पूछा जा सकता है। और अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर कुल कितनी प्रमुख जिले हैं, तो आप बताएंगे 5। कितनी है कुल टोटल प्रमुख जिले हरियाणा के अंदर, टोटल मेन लेक्स इन हरियाणा कितनी है, 5 है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है हरियाणा की जिले लेक्स ऑफ हरियाणा वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इस सेशन से रिलेटेड, आज के लेसन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।